हेलो दोस्तों, मैं हूं देवसागर और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एक नई रोशनी। दोस्तों, एडवर्ड कार्ड को आपने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अगर आपने अभी तक इसको एक्टिवेट नहीं किया है तो आप इसको एक्टिवेट कर लें, क्योंकि जब तक आप इसको आईडी को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आपको यहां से कोई भी अर्निंग होने वाली नहीं है। अगर आपको यहां से इनकम करनी है तो आपको इसको एक्टिव करना बेहद ज़रूरी है। किस तरीके से पता लगाएं कि हमारी आईडी अभी तक एक्टिवेट है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्होंने क्या प्रोसेसिंग करनी है, क्या प्रोसेसिंग नहीं है, उनको ये भी नहीं पता है कि हमारी आईडी एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो किस तरीके से पता लगाएं कि हमारी आईडी एक्टिव हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को संदेह हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पर ऐड स्टेटस पर जो लिखा हुआ है वो पेंडिंग है। तो यहाँ पर आपकी आईडी पेंडिंग नहीं है, ऐड स्टेटस पेंडिंग है, जो अभी तक यहाँ पर ऐड आने स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो 1 अक्टूबर रखी गई है, 1 अक्टूबर को ये लॉन्च होगा, उसके बाद ही आपको ये बताया जाएगा कि इसमें ऐड कब से चालू होंगे। तो दोस्तों, घबराइए मत, यहाँ पर ऐड बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे और आपकी इनकम भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। इससे पहले आप यहाँ पर अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं, टीम से आपको इनकम मिलेगी। आपको लेवल अचीव करेंगे तो लेवल इनकम जो आपको मिलने वाली है वो ही यहाँ पर अभी इस समय स्टार्ट की गई है। आप यहाँ पर लेवल अचीव कीजिए, टीम को बिल्ड कीजिए, आप अपने फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कीजिए, अपनी टीम के भी फर्स्ट फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कराइए, तो आपकी टीम यहाँ पर थर्ड लेवल अचीवर बनने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो किस तरीके से पता लगाएं कि आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको डैशबोर्ड ओपन करना है, तो डैशबोर्ड मेरा पहले से ही ओपन है। जिन बंदों का ओपन नहीं है वो ओपन कर सकते हैं डैशबोर्ड को। सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन टास्क, आपको इस रजिस्ट्रेशन टास्क पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक स्टार्ट का ऑप्शन आया हुआ है, इस स्टार्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है, योर टास्क वॉज कम्प्लीटेड, यानी कि मैंने अपना टास्क जो है वो कम्प्लीट किया हुआ है। और जिन लोगों ने यहाँ पर अपना टास्क कम्प्लीट नहीं किया है उनके यहाँ पर टास्क खुलकर आ जाएंगे। वो टास्क को आपको केवल 1 टाइम ही करना है। जैसे ही आप उस टास्क को कंप्लीट करेंगे उसके आधे या 1 घंटे बाद आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों, ये आपको सिर्फ एक ही बार करना है और इसे करने में मात्र आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। किस तरीके से आप वो टास्क करना है, वो टास्क भी बहुत आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको कम नॉलेज है इसके बारे में, वो भी इस टास्क को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी एप्लीकेशन आई हुई हैं जिनमें टास्क करना बहुत ही टफ होता है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको यहाँ पर टास्क को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको मात्र 2 मिनट लगेंगे टास्क को कंप्लीट करने में। किस तरीके से टास्क कंप्लीट किया जाएगा अगर आपको वो देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है टास्क किस तरीके से कंप्लीट करें या अपनी आईडी को किस तरीके से एक्टिवेट करें। आप वो वीडियो देख लेना तो आपको पता पड़ जाएगा किस तरीके से आपको टास्क कंप्लीट करना है और अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लें। दोस्तों, आपको अपनी आईडी एक्टिव करना है और अपने जो डाउनलाइन है उनकी भी आईडी को एक्टिवेट कराना है। मैं चाहूँगा कि आप अपना फर्स्ट लेवल जल्दी से जल्दी अचीव करें, ताकि आप यहाँ पर अचीवमेंट बहुत जल्दी ले सकें और अचीवर बन सकें। जो जितने ज़्यादा आपके डाउन में अचीवर होंगे उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। जितने लोगों को आप विड्रॉल यहाँ से दिलवा पाएंगे उतने ज़्यादा विड्रॉल का अमाउंट आपका लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर खुद अचीवर बनिए और अपनी टीम को भी अचीवर बनाइए। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन डाल रहे हैं एड कार्ड वर्ल्ड में, अपना रजिस्ट्रेशन डाल रहे हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो अपना व्हाट्सअप नंबर ही यहाँ पर डालें, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर अगर आप यहां पर डालेंगे तो आपके अपलाइन आपसे जल्दी कांटेक्ट कर पाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड कर पाएंगे। बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं डालते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर किसी अदर नंबर से करते हैं। आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करें, ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग जहां से आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो अपना व्हाट्सएप नंबर डालना ना भूलें, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप नंबर डालेंगे तभी आपसे आपका अपलाइन जल्दी कॉन्टैक्ट कर पाएगा और आपको जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन दे पाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर यही गलती करते हैं कि वो अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं डालते हैं और अपलाइन उनसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट नहीं कर पाता है। दूसरी बात, डाउनलाइन भी अपने अपलाइन से कांटेक्ट नहीं कर पाती है। अगर आपका अपलाइन को पास बहुत सारी ज्वाइनिंग आ चुकी हैं तो हो सकता है कि वो आप तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगाए, इसलिए आप
आपके पास ये मौका है कि आप अपने अपलाइन के व्हाट्सएप नंबर पर या इनबॉक्स पर एक मैसेज डाल सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं। अगर आपने किसी दूसरे नंबर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है तो आप अपने अपलाइन को एक मैसेज ज़रूर करें और कोशिश करें कि उसको इनबॉक्स में मैसेज करें ताकि वो आपके व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में ऐड करें और आपको ऐड कार्ड वर्ल्ड की पूरी जानकारी दे सके और आपको यहाँ पर अचीवर बनाने में आपकी मदद कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, इसके थोड़े से ऑप्शन की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत सारे लोग अपनी टीम को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एसोसिएट्स पर क्लिक करना है। एसोसिएट्स पर क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर माई डायरेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी बंदे यहाँ पर ज्वाइन कराए हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट खुलकर आ जाती है, ये देखिए। और एक चीज़ और है, आपको एक मोबाइल पर और एक जीमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर से एक ही आईडी बनानी है। अगर आपने एक से ज़्यादा आईडी यहाँ पर एक मोबाइल पर एक से ज़्यादा आईडी क्रिएट करने की कोशिश करी तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आईडीज़ यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी हैं ऑलरेडी। आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको यहाँ पर एक ही आईडी बनानी है और एक आईडी पर ही वर्क करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये पता पड़ जाएगी किस बंदे की आईडी एक्टिव हो चुकी है और किस बंदे की आईडी अभी तक इनएक्टिव है। उन बंदों को यहाँ पर से कॉल करके आप उन्हें एक्टिव करा सकते हैं और जितनी ज़्यादा आपके डाउन में आईडी एक्टिव होंगी उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा, उतनी ज़्यादा आपके अचीवर बनेंगे। यहाँ पर आपकी टोटल टीम शो होगी जो कि आपके फर्स्ट लेवल में होंगे। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल टीम आप कैसे देखेंगे। यहाँ से जूम करें, एसोसिएट्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लेवल डिटेल्स जो दी हुई है इस पर आप क्लिक करेंगे। लेवल डिटेल्स में जितनी भी आपकी टीम होगी, 7 लेवल तक की जितनी भी टीम होगी वो आपको यहाँ पर लेवल वाइज शो करेगी। जैसे कि मेरे फर्स्ट लेवल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट लेवल में मेरे अब तक 56 लोग हो चुके हैं, 56 लोग यहाँ पर मेरे फर्स्ट लेवल में हो चुके हैं, मेरा फर्स्ट लेवल अचीव हो चुका है। मेरे डाउनलाइन में कई बंदों का फर्स्ट लेवल यहाँ पर अचीव हो चुका है। बहुत जल्दी यहाँ पर इतने सारे सेकंड लेवल अचीवर मिलेंगे और मेरा टारगेट नेक्स्ट मंथ अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक थर्ड लेवल अचीवर बनने का है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे डाउनलाइन में भी बहुत सारे लोग थर्ड लेवल अचीवर बने मेरे साथ साथ। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है वन दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है साइड में। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके 7 लेवल तक के ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। मैं सेकंड पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही आप सेकंड पर क्लिकेंगे तो आपके जितने भी लोग सेकंड लेवल में हैं वो सब के सब यहाँ पर उनकी लिस्ट खुलकर आ जाएगी और आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना जो चैलेंज है वो कम्प्लीट कर लिया है और कितने लोगों ने अपना चैलेंज कम्प्लीट नहीं किया है। तो आप उनको कॉल करके उनकी आई डी को एक्टिवेट करा सकते हैं, उनको प्लान की जानकारी भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड लेवल के फ़ोन नंबर सो नहीं हो रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने फर्स्ट लेवल की जितनी भी आईडीज़ हैं उनको एक्टिवेट कराइए और उनसे कहिए कि वो अपने फर्स्ट लेवल की सारी आईडीज़ को एक्टिवेट कराएं और प्लान की जानकारी दें। इस तरीके से आपके 7 लेवल तक के लोग एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे 55 लोग हैं सेकेंड लेवल में। इस तरीके से आप देख सकते हैं लेवल वाइज कि आपके कौन से लेवल में कितने कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू एंड धन्यवाद।